हम उनका स्वागत करते हैं। का कोई भी व्यक्ति घटना क्या हुई कैसे हुई बुलाने के बावजूद भी ग्राउंड पे आ करके कोई अधिकारी बताने हाय हाय लग रहा है ये ब्रूट फोर्स था। बिल्कुल बिल्कुल आपसे करें मैं 2 बजे बात करें। विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए पुलिस लाठीचार्ज की जांच करने के लिए बीजेपी की 4 सदस्यीय केंद्रीय टीम पटना पहुंच चुकी है। पटना पहुंचने के बाद टीम के सदस्य डाक बंगला चौराहा पहुंचे, जहां उन्होंने लाठीचार्ज से जुड़ी जानकारी आसपास के लोगों से ली है। 4 सदस्यीय टीम ने 2 दिनों के भीतर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल शिक्षक बहाली में गड़बड़ी, 10 लाख सरकारी नौकरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर गुरुवार को बीजेपी ने विधानसभा मार्च का आयोजन किया था। गांधी मैदान से यह मार्च जैसे ही डाक बंगला चौराहा पहुंचा, पुलिस ने मार्च को रोक दिया था। प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया था। इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और पुलिस के तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। बीजेपी ने दावा किया है कि पुलिस की लाठीचार्ज से उनके एक कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। 13 जुलाई को बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की घटना के जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। इस जांच समिति में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद मनोज तिवारी, सांसद विष्णु दयाल राम और सांसद सुनीता दुग्गल भी शामिल की गई हैं। बीजेपी की यह 4 सदस्यीय टीम शनिवार को पटना पहुंची है और लाठीचार्ज की जांच करने के बाद जेपी नड्डा को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि 4 सदस्यीय जांच टीम जहानाबाद के कल्पा गांव के भी जाएगी, जहां वह दिवंगत बीजेपी नेता विजय सिंह के परिजनों से मुलाकात कर उनसे घटना की जानकारी लेगी। टीम ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर जिस जगह लाठीचार्ज हुआ था उस जगह पहुंची है और वहां से पीएमसीएच भी जाएगी। जांच टीम में शामिल सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि सभी चीज़ों की रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, आम लोगों के साथ साथ मीडिया के लोगों और वहां के घटना के दौरान मौजूद लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। लोकतंत्र की धरती पर इस तरह का काम करना उचित नहीं है। हम उनका स्वागत करते हैं। का कोई भी व्यक्ति घटना क्या हुई कैसे हुई बुलाने के बावजूद भी ग्राउंड पे आ करके कोई अधिकारी बताने लग रहा है ये ब्रूट फोर्स था। बिल्कुल बिल्कुल आपसे करें मैं 2 बजे बात करते हैं। बता दें कि बीजेपी की 4 सदस्यीय टीम जांच करने के लिए गठित की गई है, जो आज पटना पहुंच चुकी है। पटना पहुंचते ही वो डाक बंगले चौराहे पर पहुंची, जहां पर आसपास से लोगों से जानकारी ले रही है। आपको बता दें कि पूरी तरह से जांच करके ये जांच रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी।